नवादा जिले में भी चक्रवाती तूफान यास का असर अब दिखाई देने लगा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, लिहाजा चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव के कारण जोरदार बारिश की शुरुआत हो गई। वहीं चक्रवाती तूफान यास को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन हर कठिनाई से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, उसका जो प्रभाव है वो पूरे जिला भर में एक संभावना है कि यहाँ पे भी उसका असर पड़े। उसके लिए हम लोगों ने पूर्व में ही तैयारियाँ की हैं। परसों ही हम लोगों ने सभी जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, DDOs और थाना प्रभारी जो हैं, उन सबके साथ VC भी किया। इसी संबंध में जो बिजली विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रजौली एवं नवादा के, उन सबको बोला गया कि जितने भी लूज कंडक्टर्स वगैरह हैं उन सबको प्रिवेंटिव मोड में ही हम लोग रिप्लेस करें और उन सब पर नजर रखें। सभी जो फील्ड में जो जितने भी क्षेत्र पदाधिकारी हैं उन सबको फील्ड में बने रहने के लिए बोला गया है। इसके अलावा हम लोगों का जो एक अलर्ट आता है डेली बेसिस पे, जो वज्रपात वगैरह की अलर्ट रहती है, वो हमारे द्वारा सभी जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उन सबको शेयर किया जा रहा है जन जागरूकता के लिए, क्योंकि इसका असर अगले 3 दिन तक बने रहने की संभावना है। तो इसके लिए हमारे सारे फील्ड जो ऑफिसर्स हैं उन सबके द्वारा जागरूक किया जा रहा है। कल जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, सारे हमारे जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं सबने फील्ड में जाके सभी किसानों को, सभी जो जो रिहायशी हैं वहाँ एरिया में जाके लोगों को जागरूक किया है कि अपने घरों में बने रहें। जो मवेशी वगैरह हैं, जो अगर कोई फसल कटने तक फील्ड में रखा हो उसको सुरक्षित जगह पर रख लें। इसके अलावा जो बिजली विभाग को एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जहाँ पे भी कोविड संबंधित जितने भी पेशेंट वगैरह हैं, चाहे वो BCHC हो, चाहे हमारे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा जो प्रखंड स्तरीय हो PHC हो, अगर कहीं पर भी कोई कोविड संबंधित पेशेंट एडमिट है तो वहाँ पे सारे जो PHCs हैं वहाँ पे एक तो जेंसेट की व्यवस्था हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने चेक करा ली है, सभी जगह जेंसेट की व्यवस्था है। नवादा से रामजी प्रसाद के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live India।